आज रूलिंग डाइट के स्टूडियो किचन में हम खिचड़ी 2022 बनाने जा रहे हैं। खिचड़ी 2022 एक खास स्वाद का है, इसे खास अंदाज में बनाया जाता है। तो हम आपको इस पे लगने वाले सामग्रियों से परिचय कराते हैं। सबसे पहले यहाँ हम दाल लिए हैं, 5 प्रकार के ये दाल है, मिक्स कर लिए हैं। ये 1/2 कप है और ये हम सरसों तेल लिए हैं, हल्दी है, नमक है, हींग है, जीरा है और चावल 1 कप है। और यहाँ तेज पत्ता है, लाल मिर्च है, लहसुन है, ये धनिया पत्ती है और ये मेथी पत्ता है और ये ग्रीन ओनियन का सफेद वाला भाग है और फूलगोभी है। फूलगोभी को देखिए ये बड़े साइज का कट करेंगे इस तरह से, यहाँ 4 पीस इतना बड़ा बड़ा साइज का लिए हैं। कद्दू लिए हैं, आलू लिए हैं, छोटे साइज का आलू लिए हैं, ये आलू को भी बड़ा बड़ा कट करेंगे इस तरह से। और शिमला मिर्च लिए हैं और ये बीन्स लिए हैं थोड़ा सा, और ये जीरा है, हींग है, नमक है, हल्दी है। इस तरह से सारा सामग्री हम ले लिए हैं। अब चलते हैं खिचड़ी 22 बनाने का विधि देखने। सबसे पहले हम फ्राई पैन में तेल डालते हैं, 2 बड़ी चम्मच हम तेल डालें और सब्जियों को हम इसमें भूनेंगे। बारी बारी से सभी सब्जियों को भून लेंगे। पहले फूलगोभी को हम भून लेते हैं, पलट पलट कर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसमें हम आलू भी डाल देते हैं, और ये बीन्स को भी डाल देंगे। और ये शिमला मिर्च को भी हम डाल दिए और इसे हम ढक ढक कर भूनेंगे। ढक ढक कर इसलिए भूनना है कि इसे पका भी लेना है, ये फिर खिचड़ी में डालकर पकेगा नहीं, इसे बस भून कर ही पका लेना है इसे। इसलिए इसे बीच बीच में हम ढक देंगे। 2-3 मिनट हो गया है हमारे ढके हुए, देखते हैं अंदर कैसा पक रहा है। बहुत अच्छा पक रहा है, इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे इस तरह। देखिए पानी हम नहीं डालेंगे, ये अंदर का पानी है उसी से ये पक रहा है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं ताकि ये अच्छा से गल जाए और नमक भी अंदर तक चला जाए। इसे फिर से ढक दिए हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। अब हमारा सब्जी पक भी गया है और भुना भी गया है, देखिए ढक ढक कर भुने। अब इसमें हम ये ग्रीन ओनियन का सफेद वाला नीचे वाला भाग होता है वो डाल दिए और ये मेथी पत्ता डाल दिए और इसे भी हल्का भून लेंगे। इसे ज्यादा नहीं भूनना है, बस 2 मिनट भून लेना है ताकि इसका थोड़ा सा इस नर्म हो जाए। इसे पूरी तरह पकाना नहीं है, उसका कच्चापन टेस्ट जो आएगा वो काफी अच्छा लगता है। इसे ढक देते हैं और 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। 2 मिनट हो गया, अब इसे हम देखते हैं, ये बिल्कुल हमारा भुना कर तैयार हो गया। देखिए मेथी पत्ता भी बिल्कुल मुलायम हो गया है। और हीट को बंद करते हैं और इसे अलग निकाल कर रख लेते हैं हम। अब हम इसमें 1 कप चावल और 5 प्रकार का मिक्स दाल, 1/2 कप है जिसे धो लिए हैं, इसे डाल देते हैं। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालते हैं, 1 चम्मच नमक डालते हैं, नमक स्वादानुसार डालेंगे, और 2 छोटे साइज का लाल टमाटर काटकर इसमें हम डालें, और ये कद्दू कट कर रखे थे ये कद्दू इसमें डाल देते हैं। इसमें हम 5 कप पानी डालेंगे, 1, 2,
चार, ये पांच कप हम इसमें पानी डाल दिए। अब इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं। इसका ढक्कन बंद कर दिए हैं। अब इसे हम मीडियम हीट पर 10 मिनट तक पकाएंगे। ये दो सीटी मार चुका है। अब हम हीट को ऑफ कर देते हैं और हीट को ऑफ कर दिए। अब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे ढक्कन खोलेंगे। जब तक कुकर हमारा ठंडा हो रहा है हम तड़का लगाने का तैयारी कर लिए हैं। यहाँ देखिए हम लाल मिर्च, लहसुन, तेज पत्ता, जीरा, हींग रखे हैं तड़का लगाने के लिए। इसमें सरसों तेल डालेंगे और ठंडा होने के बाद इसका हम तड़का लगाएंगे। ये हमारा कुकर ठंडा हो गया है। इसका ढक्कन खोल कर देखते हैं। वाह, फर्स्ट क्लास पक चुका है। अब ये हम जो भून कर सब्जी रखे थे ये पूरी तरह पका हुआ सब्जी है। इसमें नमक भी डाला हुआ है। इसे हम मिला देते हैं। इस तरह से इसे डाल दिए और इसे मिला देंगे। देखिए ये हमारा खिचड़ी 2022 तैयार हो गया है। अब इसमें हम तड़का लगाते हैं। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ये कड़ा है और पतला होना चाहिए तो यहाँ पर इस स्टेज में आप पानी डाल सकते हैं। थोड़ा हम यहाँ पर पानी डालेंगे। मेरा यहाँ खिचड़ी है जो थोड़ा कड़ा है इससे थोड़ा पतला हम पानी डालकर करते हैं। एक कप हम हॉट वाटर यहाँ डालें और देखिए ठंडा पानी नहीं डालेंगे, हॉट वाटर डालेंगे अच्छा रहेगा। देखिए ये खिचड़ी हमारा फर्स्ट क्लास हो गया तैयार। अब इसे हम तड़का लगाते हैं। देखिए ये देसी घी से हम तड़का लगा रहे हैं। ये देसी घी का तड़का लग गया इसमें। अब इसके ऊपर हम धनिया पत्ती श्रद्धा अनुसार डाल देते हैं और ये हमारा खिचड़ी 2022 बनकर तैयार हो गया खाने के लिए। देखिए हमारा खिचड़ी 2022 कितना सुंदर बना है। इसे दही पापड़ घी अचार के साथ इसका आनंद लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रूलिंग डाइट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाना नहीं भूलें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे।